हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन टेन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट होता है उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। और ये जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं इस चैनल पर, आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वो चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, डिफेंस हो, या रेलवे की बात करने जाएं, ठीक है, तो इन वीडियोज को बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखा करिए। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं चार धाम प्रोजेक्ट की, जो अभी रिसेंटली बीआरओ ने कंस्ट्रक्ट किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया और इससे क्या फ़ायदा होने वाले हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शिव तिवारी और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो अपने मोबाइल पर ये अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। उसके बाद आपको अपने गोल को सिलेक्ट करना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। और उसके बाद आप अनअकैडमी पर जो टॉप एजुकेटर हैं इंडिया के, उनके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल से रिलेटेड कोई अपडेट पाना है तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन टाइम। तो इस पर आपको सभी वीडियोज़ की लिंक फॉरवर्ड कर दी जाती है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जितने भी लेक्चर्स उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका कॉस्ट क्या जाएगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इफ़ यू गो फॉर 1 ईयर प्लान तो ये पड़ता है आपको 5,400 रुपये का विद 10% डिस्काउंट के साथ। बट डिस्काउंट के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, मेरा कोड याद रखिएगा SKTLI। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 6,480 रुपये का, ठीक है। तो यू आइदर गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, 10% डिस्काउंट पाने के लिए कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा और मेरा कोड याद रखिएगा SKTLI। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो है हमारा चार धाम प्रोजेक्ट। अब ये जो चार धाम प्रोजेक्ट है, ये एक चंबा टाउन में बनाया गया है, उत्तराखंड का जो टाउन है चंबा, इसलिए वहाँ पर एक सुरंग बनाई गई है, जिस कारण इस सुरंग का नाम भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है, चंबा टनल। ये आगे आने वाले समय में आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएगी, ठीक है। आपको याद हो कि एक सरकार ने और टनल का नाम चेंज किया था, जिसका नाम था रोहतांग टनल, अगर उम्मीद है आपको याद हो। इसको बाद में रिनेम करके सरकार के द्वारा अटल टनल कर दिया गया था। अटल बिहारी का जो डेट ऑफ बर्थ था अभी 25 दिसंबर 2019 में, तो इसको रोहतांग टनल को रिनेम करके क्या कर दिया था, अटल टनल। अब ये टनल बड़ा याद रखिएगा, वह पूछ सकता है कि चंबा टनल लोकेटेड एट, तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड के चंबा जो टाउन है, शहर है, वहाँ पर लोकेटेड है, वहाँ पर बनाई गई है, इसलिए इसको नेम दिया गया है चंबा टनल, ठीक है। ये जो टनल है ये किसका पार्ट है याद रखिएगा, चार धाम प्रोजेक्ट का। अब ये प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बीआरओ के द्वारा पूरा किया गया है। तो बीआरओ का आपने सुना भी होगा, अभी बहुत सारे इन्होंने ब्रिजेस भी बनाए थे, ठीक है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस समय बहुत बेहतर काम कर रही है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक चार धाम प्रोजेक्ट के लिए पूरा रोड तैयार किया गया है, ठीक है, जिसमें 440 मीटर लंबी टनल बनाई गई है चंबा टाउन में, और इसी टनल का नाम रखा गया है चंबा टनल, ठीक है। इस टनल के बनाने से एक तो डिस्टेंस बहुत कम होगी और आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में पूरा हम लोग जानते हैं, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बीआरओ के द्वारा। तो सबसे बड़ा जो मेन एम है चार धाम प्रोजेक्ट का, वो बूस्ट अप करना है, ठीक है, चार धाम रोड प्रोजेक्ट को, जो उत्तराखंड से होकर के जाएगा। और ये बनाया गया है बॉर्डर रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन टीम के द्वारा, ठीक है, जो नॉर्थ एंड साउथ पोर्टल्स को, दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि 440 मीटर लंबी एक टनल बनाई है चंबा जो डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इस समय बीआरओ के हेड का नाम याद रखिएगा, जिनकी देखरेख में ये पूरा काम हो रहा है। तो इस समय जो बीआरओ के हेड है वो, उनका नाम है हरपाल सिंह। तो डेफिनेटली हरपाल सिंह साहब इस समय बहुत बेहतर काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन को, और डेली नए माइलस्टोन साबित करते चले जा रहे हैं। उन्होंने बोला है कि इस टनल को बनाने में जो उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की है उसका नाम है ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बनकर के 2020 तक पूरा हो जाएगा। तो अभी रिसेंटली वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो नितिन गडकरी साहब हैं उन्होंने इसका इनॉग्रेशन भी किया, और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया, निर्देश भी दिया कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये टाइम से पहले, यानी कि विद इन टाइम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये था हमारा चार धाम प्रोजेक्ट। और उन्होंने ये भी बोला कि जो टोटल कॉस्ट गई है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो गई है 12,000 करोड़, ठीक है। लंबाई याद रखिएगा इसकी 440 मीटर, कहाँ बनाया गया, उत्तराखंड में, कौन से याद रखिएगा शहर में, तो उसका नाम है चंबा, इस कारण इसका नाम दिया गया है चंबा टनल। और ये प्रोजेक्ट किसके अंडर आता है, चार धाम
और किसके द्वारा कष्ट किया गया, तो याद रखिएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आई होप कि इतना क्लियर होगा। चलिए अब इंपॉर्टेंट हाइडलाइंस क्या है इस वीडियो की, तो जो हाइलाइट्स है वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो चारधाम प्रोजेक्ट है ये दुनिया भर में, एक तो सबसे पहली बात की जाए उत्तराखंड में लोकेटेड है। उत्तराखंड जो है अपने टूरिज्म के लिए बड़ा पॉपुलर है, तो सबसे बड़ा जो इसको फायदा मिलने वाला है कि टूरिज्म बूस्टअप होगा। लॉकडाउन के बाद अगर हम बात करने जाएं, जो सबसे बड़ा प्रभाव है टूरिज्म ही, कहीं ना कहीं आज के समय में हर देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो भारत या कोई भी देश नहीं चाहता कि हमारे देश में टूरिज्म कम हो, हर देश टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहता है। तो सबसे बड़ा जो फायदा ये है कि इस परियोजना का पूरा हो जाने से उत्तराखंड में जो टूरिज्म है, जो दुनिया भर से सैलानी आते हैं यहाँ पहाड़ों की सुंदरता देखने के लिए, वो सबसे पहले तो बढ़ जाएगी, ठीक है। और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलेगी लोगों को वहाँ, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टूरिज्म जब बूस्ट होता है तो बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाता है। वैसे लॉकडाउन की वजह से जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है इंडिया का, बहुत बड़ा प्रभावित हुआ है, और ये जो टूरिज्म है डेक्लाइन होकर के 60 से लेकर 80% तक डेक्लाइन हो गया है, ठीक है। क्योंकि जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य, उन्होंने सभी ने अपनी बॉर्डर जो है उनको सीज कर दिया है, जिस वजह से अभी टूरिज्म सेक्टर बहुत डाउन है। और सबसे बड़ा जो डाउन होने प्रभावित होने वाला टूरिज्म सेक्टर, वो एशिया कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिस तरीके से वर्ल्ड जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था। अब बाकी देखिए डाटा जानकारी देख लीजिएगा। वैसे तो ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट करने की बात चल रही थी जनवरी 2019 से, लेकिन बाद में कुछ कारणों की वजह से सरकार ने जो है काम बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर कुछ मुआवजा जो पजेशन किया गया था लैंड पर उसका कोई मामला था, तो बाद में जो काम शुरू हुआ वो अक्टूबर 2019 में काम शुरू हो सका, ठीक है। तो बाद में उन्होंने फिर ऑस्ट्रियाई तकनीक का इस्तेमाल करके इस टनल को बनाना शुरू किया, क्योंकि कुछ लोगों को डर था कि जो ज़मीन ऑक्यूपाइड की गई है उसके ऊपर जो ज़मीन है या जो मकान बने हुए हैं, रहने वाले लोग हैं, उनको तो कोई और किसी भी तरह का इससे नुकसान नहीं होगा, ये सबसे बड़ा इसका डर था। तो उन्होंने फिर एक अलग ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और सेफ्टी का आश्वासन दिया कि किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो जो निर्धारित समय था जनवरी 2019 उसमें ना शुरू होकर के ये अक्टूबर 2019 में शुरू हो पाया, ठीक है। और बाद में ये जो बनाया गया, लोकेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कहाँ बना हुआ है, चंबा शहर में उत्तराखंड में, ठीक है। ये सुरंग बन के तैयार की गई है, जिसका भी ऑनलाइन नितिन गडकरी जी ने परीक्षण किया और उन्होंने बोला है कि टाइम से पहले प्रोजेक्ट तैयार भी हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये याद रखिएगा, जो बनाया गया है बीआरओ के द्वारा, और ये जो ऋषिकेश धरासू हाईवे NH 94 पर अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है जिसका नाम है चंबा शहर, उसी के नीचे बनाया गया। तो यही सबसे बड़ा डर था जिस वजह से प्रोजेक्ट लेट हुआ, कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। और डिस्टेंस याद रखिएगा, जो डिस्टेंस बनाई गई है 440 मीटर। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स देख लेते हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड। उत्तराखंड के बारे में अगर हम जाने तो उत्तराखंड की दो कैपिटल हैं, एक है देहरादून, ठीक है, जिसको हम लोग विंटर कैपिटल जानते हैं, और दूसरी है गैरसैंण, जो अभी रिसेंटली अनाउंस की गई, ठीक है। तो इसकी समर कैपिटल याद रखिएगा गैरसैंण, और इसकी विंटर कैपिटल है देहरादून। दूसरा, यहाँ की जो गवर्नर है, राज्यपाल याद रखिएगा बेबी रानी मौर्य, और वहाँ के जो सीएम है उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, इनके सीएम का नाम याद रखिएगा। स्टेट का जो फ्लावर है वो याद रखिएगा ब्रह्मा कमल है, और दूसरा स्टेट का जो फ्रूट है वो याद रखिएगा कफाल है। अब बीआरओ के बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल बताई थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसने अचीवमेंट किया है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा बीआरओ का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और इनके जो हेड है वो है जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। तो इनके अंडर में बीआरओ इस समय बहुत प्रतिदिन नई बुलंदियों को छू रहा है, और उम्मीद है कि बीआरओ इसी तरीके से काम करता रहेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आपके जितने भी ग्रुप सर्कल हैं, जितने भी दोस्त हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ आप ये वीडियो की लिंक शेयर करेंगे। और अगर आप फर्स्ट और न्यू व्यूअर हैं हमारे चैनल पर, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर रेगुलर अपडेट, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी वीडियोज आएंगे। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये कोड यूज़ करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट पाने के लिए, और मेरा कोड याद रखिएगा SKT Live। वैसे मैंने अभी बैंकिंग अवेयरनेस पर एक प्लस पर अनअकैडमी प्लस पर एक पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है बैंकिंग अवेयरनेस का, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपके SBI, RBI असिस्टेंट, LIC, IBPS, PO सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।